फिल्म का संदेश है, चाहे धीमी आवाज में चीखो या चिल्लाओ, कोई है जो आपको सुनेगा। Whisper, speak, shout. Your voice will be heard. लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा बढ़ रही है। फिल्ममेकर नंदिता दास ने घर पर रहें सुरक्षित रहें का एक अलग पहलू उजागर करते हुए एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। फिल्म का नाम है लिसन टू हर। इसमें दो किरदार दिखाए गए हैं, एक वो जिसको उसका पति मारता है और दूसरा वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ महिला बहुत सारी जिम्मेदारियों के किरदार में है। दोनों किरदार घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं। यूनेस्को, यूएनएफपीए, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र और साउथ एशिया फाउंडेशन जैसी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों से समर्थन प्राप्त कर इस शॉर्ट फिल्म को रिलीज किया गया है। महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं बल्कि उनका भावनात्मक और मानसिक शोषण भी है। फिल्म में नंदिता दास का बेटा विहान भी एक किरदार में है। फिल्म का संदेश मजबूत है और छोटी सी फिल्म में दिखाया गया है कि कोरोना के इस दौर में खास तौर पर महिलाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।